Hello children, namaste to everyone. So today's class we are going to study about संज्ञा. Yes, so हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं ग्रामर को. In Hindi we call grammar as व्याकरण. Okay, so in that व्याकरण today's topic is संज्ञा, noun. Yes, so those who know about noun, it will be easier for them to understand this. जिनको नाउन पता है इंग्लिश में, सेम वैसा ही हिंदी में होता है संज्ञा. किसी भी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, नाम मीन्स नेम. सो इन एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज नाउन. द सेम वे किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो अब समझ में आया संज्ञा क्या होती है. डू यू अंडरस्टूड व्हाट इज संज्ञा नाउ. सो माय नेम इज सुनीता, मेरा नाम सुनीता है. तो सुनीता इज अ नाउन. मैं तमिलनाडु में रहती हूँ, तो तमिलनाडु इज अ नाउन. करेक्ट, नाम एक जगह का, एक स्थान का, नेम ऑफ अ प्लेस एंड नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग. मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, तो पिंक द नेम ऑफ अ कलर. एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, एनिमल. तो हमने क्या समझा, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो अब आप मुझे कुछ उदाहरण बताइए संज्ञा के. यस, योर नेम, आपका नाम, वो संज्ञा है. आपके शहर का नाम, आपके दोस्तों के नाम, हर एक वस्तु जिसे हम नाम लेकर पुकारते हैं. मोहन और सोहन स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ मोहन और सोहन हो गए संज्ञा. करेक्ट, वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल. सो स्कूल इज ऑल्सो संज्ञा. अंडरस्टूड. सो आगे हम संज्ञा के भेद बताएंगे, तो आज के लिए इतना ही. तो संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन, थैंक यू.